नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया इस वक्त हर तरफ छाए हुए हैं। उम्मीद के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका सिक्का एक बार फिर से चला है। भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालने वाले बजरंग पूनिया ने इसकी तैयारियां काफी वक्त पहले से ही शुरू कर दी थी। 3 जुलाई 2022 यानी अब से लगभग एक महीना पहले ही NMF न्यूज ने बजरंग पूनिया से खास बातचीत की थी। उस दौरान बजरंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि वो भारत को गोल्ड दिलाने की कोशिश करेंगे। NMF न्यूज से किया हुआ वादा बजरंग पूनिया ने निभाया है। देश की झोली में पूनिया ने गोल्ड मेडल डाल दिया है। चलिए इस खास मौके पर आपको बजरंग पूनिया से हुई खास मुलाकात दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मुझे ये बताइए, अब से दो महीने बाद, मुझे लगता है 2 महीने बाद शायद सितंबर में ही दो चैंपियनशिप्स होनी है, दो गेम्स होने हैं आगे पीछे, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? 1 अगस्त में मैडम और 1 सितंबर में, एक महीना बचा है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि चोट के बाद 1-2 टूर्नामेंट खेले, उसमें परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन अब अच्छी तैयारी है और जो कमियां थी उन पर काम कर रहे हैं। दोबारा से कोशिश है कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स से अच्छी शुरुआत करें और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन करें। किस तरीके की प्रैक्टिस चल रही है? क्योंकि अमूमन हम जब खिलाड़ियों को देखते हैं या पहलवानों को देखते हैं तो बहुत बहुत घंटे वो प्रैक्टिस में देते हैं, तो कितने घंटे दे रहे हैं? ट्रेनिंग सुबह शाम होती है, सुबह दो ढाई घंटे शाम को, मतलब टोटल लगा के कभी 6 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 5 घंटे भी हो जाते हैं, और संडे रेस्ट होता है, तो 5-6 दिन खूब ट्रेनिंग होती है। तो 100% उम्मीद है गोल्ड लिया आएगा? देखिए, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, बाकी आप लोगों की दुआ है तो जरूर गोल्ड लेके आएंगे। एक दुआ तो हमारी हमेशा साथ है। एक इंजरी का आपने जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ टोक्यो ओलंपिक्स के बाद शायद इंजरी हुई थी, टोक्यो ओलंपिक से पहले, 1 महीना पहले। अच्छा, हाँ जी। तो फिर कैसे उससे रिकवर किया आपने? डॉक्टर के साथ रिहैब किया, पहले तो मैं खुद ही कर रहा था ओलंपिक के बाद 6-7 महीने तक, उसके बाद मैंने फिजियो के साथ रिहैब किया है, अभी पूरी तरह से फिट हूँ। अच्छा, एक कहीं पे मैं खबर पढ़ रही थी कि आपने और रवि दहिया ने ये मतलब डिसाइड कर लिया है कि किसी विदेशी कोच के साथ आप अभ्यास नहीं करेंगे, कुछ रीजन है उसके पीछे? नहीं, रीजन कुछ भी नहीं है, बस यही था कि भाई पहले मेरे पास 4 साल तक विदेशी कोच था, तो मैं उसमें ये नहीं बताता भाई कमी है कोच में, कोच अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, और हमारे इंडियन कोच में भी कोई कमी नहीं है अगर हम उनको अच्छे से मतलब समझे, तो वही चीज़ें थी कि भाई अगर हम अपने इंडिया के जो कोच हैं उनको हम आगे बढ़ाएं तो हमारे लिए और बेटर होगा, क्योंकि हम बाहर से भी तो कोच लेके आ रहे हैं, टेक्निक सभी की सेम होती है, तो हमारे पास भी अच्छे पहलवान हैं जो रेसलिंग छोड़ चुके हैं, तो हम उन्हीं का फ़ायदा लेके हम अपनी रेसलिंग में सुधार करें, तो इसलिए ये निर्णय लिया कि भाई हम इंडियन कोच के साथ ही काम करेंगे। अच्छा, जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, मोदी सरकार हुई है, एज अ प्लेयर, एज अ खिलाड़ी आपसे पूछूं, कुछ फ़र्क महसूस होता है कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है? देखिए, 2016 से 14 से गवर्नमेंट आई है, तो 16 में जब ओलंपिक था उससे पहले टॉप स्कीम बनाई थी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम, तो उसमें खिलाड़ियों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो साई भी काफ़ी एक्टिव है, हर चीज़ जो सुविधाएं खिलाड़ियों को चाहिए होती हैं, क्योंकि खिलाड़ी को एक तो ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक जो ट्रेनिंग के जो चीज़ें होती हैं भाई, जिम में क्या चीज़ें चाहिए, क्रॉसफिट के लिए क्या चाहिए, मैट के लिए क्या चाहिए, तो हर चीज़ वो खिलाड़ी के पास है आज के टाइम में जो एक खिलाड़ी को चाहिए परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि भाई एक खिलाड़ी को हम अच्छी सुविधाएं दें, बार ट्रेनिंग के लिए जब भी हमें जाना होता है तो हमें वो चीज़ें एक बार बोलने के बाद मिलती हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी 2014 से पहले। अच्छा। 2016 वाले ओलंपिक से पहले स्टार्ट हुई थी, 15 में स्टार्ट हुई थी, तो तब से अब खिलाड़ी हर जगह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोचेज हैं, फिजियो हैं, ट्रेनर हैं, जिम की सुविधाएं हैं, तो सभी सुविधाएं हैं, अब खिलाड़ियों को खूब मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी हमारा भी कैडेट एशिया में अंडर 23 एशिया में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इंडिया टीम का, और चैंपियन बनी है लड़कियों की टीम, तो इतिहास में पहली बार बनी है, तो ये भारतीय कुश्ती के लिए अच्छे संकेत हैं। अच्छा, चूंकि हम पहलवानी की बात कर रहे हैं या एक खिलाड़ी के तौर पे आपसे बात करें तो नीरज चोपड़ा का जिक्र कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक से ऐसा सफर शुरू हुआ है कि उनके भी मेडल्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आपसे भी यही उम्मीद भी की जा रही है और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा को हाल ही में सिल्वर मेडल मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, नीरज भाई ने ओलंपिक के बाद से अब दोबारा से शुरुआत की है, मेडल के साथ अच्छी शुरुआत की है, और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को भी बीट किया, अपना नया रिकॉर्ड बनाया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज को, और उम्मीद है कि भाई आगे भी अभी गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है,
जो भी गेम्स में खेले देश के लिए गोल्ड जीते और एक नए कीर्तिमान बनाते हुए चले, और उनके लिए एक नीरज ने सभी खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भाई हाँ जिस भी टूर्नामेंट में जाए उसमें हम देश के लिए मेडल लेके आए। अच्छा जाते जाते आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जब पहलवानी देखते हैं कुश्ती देखते हैं तो मज़ा बहुत आता है देखने में, लेकिन अगर हम एक पहलवान से पूछें कि भैया आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितने अपने शरीर पे सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए चैलेंज तो हर चीज़ में है, चाहे वो गेम है या ना है, क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो चैलेंज तो फेस करने ही पड़ेंगे। तो एक खिलाड़ी के तौर पे हमारे पास मतलब इंजरी के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमारा गेम एक दूसरे के साथ हमें लड़ना है, तो इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं हमारे, तो उससे भी बचाव करना, खुद को फिट रखना और अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाना, तो काफ़ी चैलेंज होते हैं कि भाई सुबह शाम हार्डवर्क करना, तो ये क्योंकि सब ही चाहते हैं कि भाई एक टाइम थकने के बाद यार अब रेस्ट कर ले, पर कोचेज का ये कि भाई और पुश करे कि भाई हाँ चल और कर, एक घंटा और है, आधा घंटा और है, तो ये चैलेंज सभी की लाइफ में है जो भी खिलाड़ी हैं। तो चैलेंज से आगे अगर हम चैलेंज के साथ लड़के हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मुझे लगता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं इसी उम्मीद के साथ बजरंग, कि आप फिर से गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी।